कभी खिलाफ तो कभी साथ होता इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बदलवान होता है। इसका ही नज़ारा हमें कल के आईपीएल मैच में देखने को मिला, जहां समय ने ऐसी पलटी मारी कि लगातार 6 मैच जीत चुकी आरसीबी को लगातार 5 मैच हार चुकी राजस्थान रॉयल्स ने ऐसी पटखनी दी कि आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर से टूट गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2024 का सफर एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के साथ समाप्त हुआ। इस हार के साथ आरसीबी का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। बेंगलुरु ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक करते हुए आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाई थी, मगर पहले ही नॉकआउट मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी की हार की कहानी आर अश्विनी की 2 गेंदों ने ही लिख दी थी। अश्विनी को उनके इस कारनामे के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि आरआर ने इस मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज करके क्वालिफाई 2 में अपनी जगह बना ली, जहां उनका सामना सनराइज हैदराबाद से होना है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने सधी हुई शुरुआत की। जब ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो आरसीबी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हालांकि इसके बाद कैमरून ग्रीन और रजत पाटीदार ने टीम को संभाला और स्कोर बोर्ड को व्यस्त रखा। जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी 200 के स्कोर तक पहुंच सकती है, मगर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अश्विनी अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आए और इस दौरान उन्होंने 2 ऐसी जादुई गेंदें डाली जिसने पल भर में मैच को आरआर की ओर झुका दिया। इन्हीं 2 गेंदों से आरसीबी की हार की कहानी लिखी गई। ये घटना पारी के 13वें ओवर की है। पहले 3 ओवर में किफ़ायती गेंदबाज करने वाले अश्विनी ने मात्र 17 ही रन खर्च किए थे, मगर इस दौरान उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला था। सैमसन जानते हैं कि पाटीदार और ग्रीन अश्विनी को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने इस भारतीय दिग्गज स्पिनर को लगातार 4th ओवर देने का फैसला किया। सैमसन के इस फैसले पर अश्विनी खरे उतरे। अश्विनी ने ओवर की 3री गेंद पर कैमरून ग्रीन को कैरन बॉल पर फंसाया। वहीं अगली ही गेंद पर उन्होंने बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल का शिकार किया। मैक्सवेल का बल्ला इस सीजन उस अंदाज में नहीं बोला जिसके लिए वे जाने जाते हैं, मगर नॉकआउट मुकाबले में वे राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते थे। ऐसे में सुनने पर मैक्सवेल का विकेट मिलना आरआर के लिए बहुत बड़ा पल था। इसके 1 ओवर बाद रजत पाटीदार भी पेवेलियन लौट गए और जैसे तैसे आरसीबी 172 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। इस स्कोर को राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर में हासिल करके आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।